सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय सुनाया, उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत की सरकार इसके लिए न्यास बनाए। हमें भूमि किसके हैं, इनके हैं, इसे कहकर छोड़ते तो कौन बनाना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट कहे, ये कोई अपेक्षा तो किसी ने की नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा? इन सारे विषयों के तो भारत सरकार उसके भी एक का इस देश के सांस्कृतिक धरोहर के, इस देश के राष्ट्रीयता के प्रतीक के साथ इस देश के भारत के सरकार संविधान यदि जुड़े नहीं हैं तो इस मंदिर का और सरकार के कोई ताल्लुक है कि वो केवल इट इज नॉट द लीगल कनेक्शन, इट इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्शन और रिलेशन, उसके साथ एक कल्चरल रिलेशन है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है भारत सरकार की। वैसे तो यह कार्य होना चाहिए था स्वतंत्र भारत के प्रारंभ में ही। भारत स्वतंत्र होने के जो एक द्योतक है, प्रतीक है, वह केवल दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए लोग बदल गए, ये केवल स्वतंत्र नहीं होता। अभी कल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई, किसी ने एक लेख लिखे है, मैकाले के शिक्षा पद्धति से भारत को मुक्त करने के लिए ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता थी, इसलिए भारत के मानसिक गुलामी से मुक्त करना स्वतंत्र है, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त करना भारत के स्वाधीनता है, वैचारिक गुलामी से भारत के लोगों को मुक्त करना देश की आजादी है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण होना यह एक कोई रिलीजियस चीज नहीं है, इसलिए कई बार इस संघर्ष में, राम जन्मभूमि आंदोलन में, इसके तथाकथित विरोधी लोग, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं, उनको विरोध करने की इच्छा मन में थी कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनको विरोध करना था जो आंदोलन किए हैं उनका। बहुत सारे इसके लिए सबूत है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा आज, क्योंकि हमने आंदोलन के दौरान इन सारे विषयों को बार बार कह चुके हैं। तो इसलिए ऐसे जो विरोध करने वाले लोगों ने सेक्युलरिज्म के एक फिजूल चर्चा उन्होंने उठाई, मंदिर निर्माण के डिमांड करना यानी यह सेक्युलरिज्म का विरोध। तो सेक्युलरिज्म का अर्थ को भी विकृत किया, मंदिर निर्माण के या मंदिर के जो बात है, भावना है, उसके पीछे के एक सांस्कृतिक चाह के, राष्ट्रीयता के एक प्रकटीकरण के अभिव्यक्ति के बारे में भी उनके जानकारी नहीं थी, या जानबूझकर लोगों को भुलाने का प्रयास उन्होंने किया।